नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं को न्यूनतम उत्तीर्णांकों से 42 अंक अधिक मिले हैं, पास प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पास बराबर पास। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लिखेंगे पास बराबर पास। तो क्वेश्चन में कह रहा है 20% अंक मिले एक विद्यार्थी को और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20% अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो अगर प्लस 30 अंक अगर इसको मिलता तो ये पास हो जाता, तो यहाँ पे प्लस 30 कर देंगे। फिर कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक मिले और इसको न्यूनतम उत्तीर्णांकों से 42 अंक अधिक मिले हैं, तो यहाँ पे 32% अंक मिले और न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक है, तो यहाँ पे माइनस 42 अंक घटा देंगे। अब यहाँ पे 20% और 32% का डिफरेंस कर लेंगे तो डिफरेंस कितना होगा, तो -12% होगा, -12% डिफरेंस होगा। और यहाँ पे 30 को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पे -42 और इधर आएगा तो -30 हो जाएगा, तो -42 और -30 कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा देंगे, 12 से काटेंगे 72 को, 12 × 72 यानी 1% का वैल्यू 6 हमें निकल गया है, 1% बराबर 6। तो टोटल मार्क हमें निकालना है तो 100% टोटल मार्क 100% होता है, तो 100% बराबर 600 हो जाएगा, 1% बराबर 6 तो 100% बराबर 600। ये दोस्तों आपका टोटल मार्क निकला, टोटल मार्क कितना निकला, 600 निकला। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पास प्रतिशत, पास परसेंट हमको बताना है, ठीक है। तो हम तो टोटल मार्क निकाल लिए, अब यहाँ पे पासिंग मार्क निकालेंगे। पास मार्क यहाँ पे दिया है 20% प्लस 30, तो यहाँ पे 600 का टोटल मार्क में से निकालेंगे 20%, यानी 20/100 और प्लस 30, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 का 20 में गुणा 6 × 12 120 हुआ, 120 और 30 कितना हुआ, 150 हुआ, ये 150 हुआ, ये क्या हुआ, परसेंटेज मार्क हुआ। लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज पास प्रतिशत पूछा है, यानी पास प्रतिशत, तो पास प्रतिशत बराबर होता है परसेंटेज मार्क, तो परसेंटेज मार्क कितना है, 150 है, हम यहाँ पे 150 लिखेंगे, बटे में टोटल मार्क कितना है, 600 है और गुणे में 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 15 × 60, 4 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में, 25 बार में कटेगा, तो ये 25% हमारा आंसर होगा, 25% क्या होगा, पास परसेंट 25% होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से इसको हल करेंगे। देखिए तरीका क्या है, तीन संख्याएं दिया हुआ है, अगर ये मान लीजिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से, कह रहे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30%
और 37% कम है। तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो अगर तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 था, तो पहली संख्या 30% कम है, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो यानी 70% हो गया। और दूसरी जो है 37 कम है, तो 100 में जब 37 कम कर देंगे तो कितना होगा, 63 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो दूसरी संख्या पहले से कितना कम है, तो 7 कम है। ठीक है, यह 7 कम है, तो कह रहे कितने प्रतिशत कम है, तो हम सीधे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 7 कम है, किससे कम है, तो यह पहली संख्या से, तो बटे में क्या है, पहली संख्या 70 है, बटे में 70, परसेंटेज में पूछा है तो गुणे में 100 लिख देंगे। यहाँ से 7 से काटेंगे 70 को 10 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे 100 को 10 दहा में 100 10 बार में कटेगा, यानी कितना हुआ, 10% हुआ। 10% हमारा राइट आंसर होगा। 10% किस ऑप्शन में आया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? दोस्तों औसत चाल पूछा है, एक व्यक्ति दो भिन्न भिन्न स्थानों से चलता है और एक की चाल 5 किलोमीटर और दूसरे की चाल जो है 40 किलोमीटर। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न चाल से एक ही व्यक्ति चलता है ए से और बी से, भिन्न भिन्न चाल से। ठीक है, तो औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, जब भिन्न भिन्न चाल से जब चले तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे और पहले जो है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चलता है, तो x के जगह 5 लिख लेंगे और y के जगह हम क्या लिखेंगे, y के जगह कितना है 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर बटे में यक्स प्लस वाई, यक्स के जगह 5 प्लस वाई के जगह 4। अब यहाँ से गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10, 10 × 4 = 40, कितना हो गया 40, अब बटे में 9, 40/9 हमारा राइट आंसर। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, तो हम यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे। अब ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, 40/9 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पहले घर छोड़ देता है और कुड़ाल के घर 25 मिनट में पहुंच जाता है और वे नाश्ता 15 मिनट में करके ऑफिस को चल पड़ते हैं और 35 मिनट में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कुड़ाल के घर को कितने बजे ऑफिस जाने के लिए छोड़ा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले क्या कहा है, सुबह आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पहले घर छोड़ा, यानी कब घर छोड़ा, तो 6:40 पर घर छोड़ा होगा। अब आगे कह रहा है कुड़ाल के घर 25 मिनट में पहुंच जाता है, अब बताइए 6:40 पर छोड़ा, 6:40 पर छोड़ा और 25 मिनट में पहुंच जाता है, यानी कितने बजे पहुंच जाता है, तो 7:05 पर पहुंच जाता है। और फिर क्या करता है कि वह 15 मिनट उसके घर नाश्ता करता है, तो 5 मिनट में या 15 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 20 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, यानी 7:20 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहे कि 15 मिनट में यहाँ पे नाश्ता करके ऑफिस को चल पड़ते हैं और 35 मिनट में पहुँच जाते हैं, उन्होंने कुड़ाल के घर को कितने बजे ऑफिस जाने के लिए छोड़ा, तो कुड़ाल का घर कितने बजे छोड़ा, तो 7:20 पर यह छोड़ दिया, यानी 7:20 AM।
तो इस किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों हम इस प्रकार की वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, ठीक है, धन्यवाद।